हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नियर इमेजिनेशन। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एप्रन कैसे बनाते हैं। ये आपके पास कोई भी ड्रेस है, जैसे कि फ्रॉक स्टाइल ड्रेस होती है, ये मेरी मम्मा की ड्रेस थी। आपको मैं फोटो दिखा दूंगी। और इस पर्टिकुलर ड्रेस में यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी सिलाई लगी होती है और साइड्स में सिलाई स्टिचिंग ऑलरेडी लगी हुई थी। अब इसको हमने पलट लिया और ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, ऐसा करके ये प्रॉपर फुल ड्रेस था। अब इसके अंदर इसको इस तरीके से कट कर दिया हमने कमर से। कट करने के बाद नॉर्मल स्टिचिंग लगा दी, सिलाई लगा दी। सो आप देख सकते हैं ये कमर से कट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा दी, ये वाली स्टिचिंग लगा दी, नॉर्मल स्टिचिंग। अब इस स्टिचिंग के बाद जो बाकी का हिस्सा अपर बॉडी पार्ट बचा है उससे बेल्ट बना दी गई। तो ऐसा करके आपने उस वाले हिस्से की बेल्ट बना ली, आप देख सकते हैं ऐसा करके इस वाले हिस्से की बेल्ट बना ली। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इससे क्या हुआ ये एप्रन बहुत ही फाइन है। अब ये वाला हिस्सा है, बस एक ही सिलाई लगानी है और कुछ नहीं लगानी, एक सिलाई में एप्रन बन गया। क्योंकि हमें ऊपर की साइड पे चाहिए ही नहीं एप्रन, बर्तन धोते वक्त या कुछ भी करते वक्त यहाँ पे ही चाहिए। तो इस वाले पोर्शन पे अब ये जो हमने बनाई है इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये भी डबल कर ली, पलट ली सिलाई लगाकर। सेंटर पॉइंट लेने के बाद हमारे इस एप्रन का सेंटर पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब इसके ऊपर ही हम लोग इसको स्टिच कर देंगे एक ही बारी में इस पूरे को स्टिच कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एप्रन की एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है और एक नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। और ये तनिया भी निकल गई बांधने के लिए, ऐसे ही बेल्ट निकल गई बांटने के लिए। और चलिए हम सिलाई लगा के आते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे करके आप पूरा स्टिच कर लीजिए, ऐसे। अच्छा, फ्रेंड्स ये हमारा एप्रन बिल्कुल रेडी हो गया। ऐसा करके सो फ्रेंड्स ये एप्रन हमारा रेडी हो चुका है और इस तरीके से आप देख सकते हो अब हम किचन का काम भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्रन से। और ये नीचे से अगर आप देखोगे तो ये डबल है यहाँ से, जिससे अगर कोई सब्जी गिरेगी भी तो फिर वो इजीली साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।